नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं। पहाड़ समाचार। बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों के लिए उत्तराखंड सरकार आरटीपीसीआर की रिपोर्ट की अनिवार्यता खत्म करेगी। सरकार का कहना है कि नई गाइडलाइंस में आरटीपीसीआर जांच की बंदिश हटा दी जाएगी। पर्यटन राज्य होने के नाते राज्य सरकार पर भी पर्यटन कारोबारियों का आरटीपीसीआर की अनिवार्यता खत्म करने का दबाव है। कामटी फॉल में शुक्रवार को भी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे। वहीं कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन पर पुलिस ने 23 सैलानियों का चालान भी किया। तो एक ओर जहां कोरोना की समस्या उत्पन्न हो रही है, वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री ने ये आदेश पारित कर दिया है कि आरटीपीसीआर रिपोर्ट की अब अनिवार्यता खत्म कर दी जाएगी, क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा है कि कोरोना काल में जिस तरह से कारोबारियों का घाटा हुआ है, उसी के चलते कारोबारियों की भी ये बड़ी मांग है कि आरटीपीसीआर रिपोर्ट की अनिवार्यता को खत्म कर दिया जाए। इस खबर पर हमारे साथ शहबाज जुड़ चुके हैं। शहबाज, मैं ये जानना चाहूंगी कि लगातार हम ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जरूरी हो रहा था कि कोरोना अभी गया नहीं है और तीसरी लहर की आशंका बनी हुई थी, तो आरटीपीसीआर की अनिवार्यता एक तरह से सही थी कि बाहर से आने वाले लोगों को आरटीपीसीआर दिखानी होगी। अगर इसकी अनिवार्यता खत्म कर दी जाएगी तो खतरा बढ़ जाएगा। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड में अगर देखा जाए तो कोरोना को लेकर काफी बड़ी लापरवाही लगातार देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री कोई भी रहा हो, कार्यकाल किसी का भी रहा हो, लेकिन लगातार क्योंकि उत्तराखंड जो है या हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो वो हमेशा से पर्यटन स्थल के तौर पर जाना जाता है और लगातार पर्यटक जो है वो अलग अलग राज्यों से अलग अलग प्रदेशों से आते हैं, तो ऐसे में इन राज्यों में खतरा डबल हो जाता है, खतरा बढ़ जाता है। और इस तरह का अगर लगातार उत्तराखंड की सरकार द्वारा ये आदेश दिया जाएगा कि आरटीपीसीआर की अनिवार्यता को खत्म कर दिया जाए, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में ये देखने को मिल सकता है कि उत्तराखंड में जो कोरोना के मरीजों की संख्या है वो बढ़ सकती है, क्योंकि अभी तो फिलहाल उत्तराखंड में जो कोरोना का जो ग्राफ है वो लगातार गिरता दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरीके से उत्तराखंड की जो सरकार है, जो नए मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, उन पर कहीं ना कहीं व्यापारियों का बहुत बड़ा प्रभाव था, बहुत बड़ा असर था। उन ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार जो है वो व्यापारी के दबाव में काम करे, क्योंकि जिस तरीके का ये फैसला लिया गया है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेहद चौंकाने वाला फैसला है, क्योंकि आरटीपीसीआर एक तरफ उत्तराखंड में ये देखा जा रहा है कि लगातार आरटीपीसीआर लैब खोली जा रही है, लगातार कहीं ना कहीं हर जिले में एक मोटिव लेकर उत्तराखंड की गवर्नमेंट काम कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री जो धन सिंह रावत है वो लगातार लैब खोल रहे हैं आरटीपीसीआर की, और वहीं इस तरह का फैसला लिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये बेहद आने वाला फैसला है, क्योंकि जिस तरीके से आरटीपीसीआर की अनिवार्यता को खत्म किया जा रहा है। और अभी हाल ही में यह भी देखा गया था कि उत्तराखंड में कई लोग ऐसे पकड़े गए थे जो फर्जी रिपोर्ट लेकर एंट्री कर रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से आपको पता है कि जिस तरीके से देश ने लॉकडाउन झेला, संपूर्ण लॉकडाउन रहा, उसके बाद जब चीजें खुली तो लोगों ने घूमने की ओर ज्यादा आकर्षित हुए, क्योंकि काफी दिनों से चीजें बंद थी, आवागमन ठप था। कारोबारियों के लिए भी कि सैलानियों का जन सैलाब उमड़े, क्योंकि लगातार हम ये भी देख रहे हैं कि पर्यटन धीमा पड़ा था रफ्तार, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था, लेकिन कारोबारियों को भारी नुकसान हुआ है। लेकिन इस पर आरटीपीसीआर की अनिवार्यता खत्म कर देना, क्योंकि लगातार हम ये भी देख रहे थे कि पुष्कर सिंह धामी जो है वो सतर्कता से, चाहे वो कोरोना काल में इस वक्त जिस तरह से तीसरी लहर की आशंका को लेकर वो लगातार इसको लेकर निर्देश पारित कर रहे हैं, या कांवड़ यात्रा को भी आप ले लीजिए, तो कांवड़ यात्रा पे भी इसीलिए रोक लगाई गई थी क्योंकि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना था, और इसका डर भी बनाया गया था कि कहीं ना कहीं कोरोना की तीसरी लहर सकती है। जी जी बिल्कुल, क्योंकि अगर देखा जाए एक तरफ तो उत्तराखंड की जो धामी सरकार है उसने जो है कांवड़ यात्रा को रोक कर सबसे बड़ा सराहनीय कदम एक कहेंगे कि बहुत अच्छा पहलू था जो देखने को मिला उत्तराखंड की गवर्नमेंट की तरफ से, कि कांवड़ यात्रा पर कहीं ना कहीं किसी ने भी इसको धर्म से जोड़कर नहीं देखा, धर्म के चश्मे से नहीं जोड़कर देखा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब बात इतनी बड़ी महामारी की आ जाती है तो इसको धर्म के चश्मे से देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उस तरीके का लगातार फैसला भी लिया। और उत्तराखंड में जो धामी सरकार है उसने कांवड़ यात्रा को रोक कर और खुद जाकर पुष्कर सिंह धामी दिल्ली गए और इसको लेकर केंद्रीय स्तर से लोगों से बात करी, जेपी नड्डा से मुलाकात भी करी, और उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी इस यात्रा को रोकने के लिए वहां पर भी एक आदेश दिलवाया था कि यहाँ हर जगह की राज्यों को लोगों को मना किया जाए कि वो उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा लेकर ना आए, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना का जो प्रकोप था वो लगातार बढ़ रहा था और खतरा भी टला नहीं
नहीं था, क्योंकि लगातार विशेषज्ञ भी ये कह रहे हैं कि तीसरी लहर जो है वो एकदम मुहाने खड़ी है और कब तीसरी लहर का प्रकोप देखने को मिल जाए, क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि केरल में जो केस लगातार बढ़ रहे हैं और केरल का जो मॉडल था कहीं ना कहीं देश में नहीं बल्कि विदेश में भी प्रसिद्ध था, क्योंकि जिस तरीके से केरल में केरल ने लड़ाई करी थी, केरल ने फाइट करी थी कोरोना को देखते हुए, तो इसकी इसका लोगों ने सराहना की थी। लेकिन अचानक से केस बढ़ जाना केरल में, जब इस तरह से केरल में स्थिति हो सकती है तो और राज्यों में तो बिल्कुल देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में कि केस बढ़ जाए। और इस तरह का अब फैसला उत्तराखंड सरकार का कि आरटीपीसीआर की अनिवार्यता खत्म है, तो कहीं ना कहीं ये बेहद चौंकाने वाला फैसला उत्तराखंड की गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया है, क्योंकि आए दिन जो है कहीं ना कहीं सैलानी मिल जाते हैं जो फर्जी रिपोर्ट लेके पहुंच जाते हैं, और अब तो फिलहाल आरटीपीसीआर की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। कि अभी वो स्थिति नहीं आई है जहां पर हम आरटीपीसीआर रिपोर्ट की अनिवार्यता को खत्म कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उत्तराखंड सरकार का ये बड़ा ऐलान हुआ है, हालांकि देखना है होगा कि आरटीपीसीआर रिपोर्ट की अनिवार्यता खत्म करने के बाद क्या केसेस में वृद्धि दर्ज की जाती है। बढ़ते आगे, कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच प्रदेश में 2 अगस्त से केवल कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्र छात्राओं के लिए ही स्कूल खुलेंगे, जबकि कक्षा 6 से 8वीं तक के बच्चों के लिए कक्षाएं 16 अगस्त से शुरू होंगी। इस दौरान बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई भी जारी रहेगी। शासन में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि हर स्कूल में सामाजिक दूरी, मास्क, सैनिटाइजर का प्रयोग करना अनिवार्य होगा। इसका पालन कराने के लिए हर स्कूल में एक नोडल अधिकारी बनाया जाएगा। तो कोरोना गाइडलाइन को पालन करते हुए 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं को एक बार फिर से संचालित करने के ऊपर जोर दिया जा रहा है। उत्तराखंड में एक बार फिर से 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं संचालित की जाएंगी। इस खबर पर शुभम हमारे साथ जुड़ चुके हैं देहरादून से। शुभम, मैं आपसे जानना चाहूंगी, पुष्कर सिंह धामी ने स्कूल खोलने के निर्देश दिए, अधिकारियों को कहा है कि कोरोना गाइडलाइंस के तहत स्कूल खोले जाएं। जी, आपको बिल्कुल बता दूं कि जिस तरीके से फैसला ले लिया, अब जो कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों का जो 2 चरणों में स्कूल खोले जा रहे हैं, 2 अगस्त से 9 से 12 तक के स्कूल खोले जाएंगे, वहीं कक्षा 6 से 8 के जो है 16 अगस्त से खोले जाएंगे। और 9 से 12 तक का जो स्कूल रहेगा वो केवल 4 घंटे का रहेगा, और साथ ही साथ जो 6 से 8 है वो जो 6 से 8 तक की कक्षा उनका 3 घंटे का स्कूल रहेगा। कहीं ना कहीं अब सरकार जो है स्कूल खोलने की तैयारी में, साथ साथ देखा जा रहा है कि कोरोना की सारी गाइडलाइनों का पालन कराएगी, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का साथ सैनिटाइजर का पूरा प्रयोग स्कूल में किया जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शुभम हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 41 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, वहीं एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है, जबकि 64 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया है। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या 645 पहुंच गई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने के साथ मरीजों की मौतें भी थम गई है। 27 दिनों से उत्तराखंड में प्रतिदिन संक्रमित की संख्या 100 से कम ही आ रही है, वहीं एक सप्ताह में मात्र 2 कोरोना मरीजों की मौत हुई। हालांकि अभी कोरोना संक्रमण का खतरा टला नहीं है। 24 घंटे में 41 नए केसेस कोरोना के सामने आए हैं, दर्ज किए गए हैं। 27 दिनों में उत्तराखंड में प्रतिदिन संक्रमितों की संख्या में 100 से कम आ रही है। बता दें कि एक सप्ताह में मात्र 2 कोरोना मरीजों की ही मौत हुई है, लेकिन कोरोना संक्रमण का खतरा टला नहीं है। जिस तरह से बाकी राज्यों में केसेस में वृद्धि हो रही है, वो खतरा साफ तौर पर नजर आ रहा है। हरिद्वार में उच्च शिक्षा और चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने 4,25,00,000 की लागत से बने आरटीपीसीआर लैब का लोकार्पण किया। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी उनके साथ मौजूद रहे। धन सिंह रावत ने कहा कि 30 दिसंबर 2021 तक पूरे उत्तराखंड में 100% वैक्सीनेशन करना हमारा लक्ष्य है। उन्होंने जानकारी दी, अभी तक हम 58,00,000 लोगों को वैक्सीन लगा चुके हैं। उत्तराखंड देश में वैक्सीन लगाने में तीसरे नंबर है, जिसे हम वैक्सीन लगाने के मामले में पहली नंबर पर लाना चाहते हैं। तो नया आरटीपीसीआर लैब धन सिंह रावत द्वारा इसका लोकार्पण शिलान्यास किया गया। बता दें कि नया लैब बनकर तैयार हो गया है, जहां पर आरटीपीसीआर की जाँच होगी। हालांकि अभी भी आरटीपीसीआर की जाँच में उत्तराखंड तीसरे नंबर पर है, लेकिन कवायद है इसे पहले स्थान पर लाने की, जिसको लेकर लगातार टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है। कि 30 दिसंबर 2021 तक हम 100% जो है 18 वर्ष से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन पूरा कर देंगे।
अभी भी लगभग 57 लाख से ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हम करा चुके हैं और इसके लिए सभी विधायक हो गए, सभी सांसद हो गए, वो 100-100 केंद्रों में वैक्सीनेशन कराने का निरीक्षण करने भी जाएंगे। हम लोग अपने प्रदेश में 600 स्वास्थ्य मेले लगाने जा रहे हैं। दवाइयों की भी कमी नहीं है, बेड्स की भी कोई कमी नहीं है और सरकार की ओर से लगभग 7,000 लोगों की नियुक्तियां की जाएंगी स्वास्थ्य विभाग में। उसकी भी प्रक्रिया हमने गतिमान कर दी है और मुझे आशा विश्वास है कि बहुत जल्दी इसके परिणाम आप लोगों को देखने को। इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ इंतजार जुड़ चुके हैं। इंतजार आरटीपीसीआर लैब का शिलान्यास किया गया धनसिंह रावत के द्वारा। इस मौके पर कितनी टेस्टिंग अभी फिलहाल हो रही है और इस लैब के खुलने के बाद किस तरह का लाभ उत्तराखंड वासियों को मिलेगा? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जो ये लैब है ये हरिद्वार के महिला अस्पताल में लैब बनाई गई है, जिसका जो लोकार्पण है, जिसका जो शिलान्यास है वो धनसिंह रावत जो कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया गया है। तो जो ये 4 करोड़ 25 लाख की लागत से बनी इस लैब का लोकार्पण किया गया, जिसमें लगभग एक बार जो जो आरटीपीसीआर टेस्ट होते थे तो इसमें लगभग 125 टेस्ट एक बार किए जा सकेंगे और हरिद्वार में जो वैक्सीनेशन और जो आरटीपीसीआर रिपोर्ट का जो दायरा है वो बढ़ जाएगा। जी बिल्कुल, लेकिन इंतजार जिस तरह से अभी टेस्टिंग है आरटीपीसीआर की, वो किस हद तक उत्तराखंड में की जा रही है? क्योंकि लगातार केसेस में कमी आ रही है, लेकिन क्या ट्रेसिंग जो 3-3 फॉर्मूला है, ट्रैकिंग ट्रेसिंग, वो उत्तराखंड में किस स्तर पर की जा रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जो इस वक्त आरटीपीसीआर का जो दायरा है वो जगह जगह एक कैंप नुमा जो कैंप लगाए गए हैं और जो उत्तराखंड और हरिद्वार जो बॉर्डर है, बॉर्डर को सील कर वहाँ भी एक कैंप लगाया गया है और वहाँ भी लगातार आरटीपीसीआर का जो बाहर से आने वाले जो लोग हैं सबकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट जांच की जा रही है और जो भी चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हो चाहे वो शहरी क्षेत्र के लोग हो, हरिद्वार के जितने भी लोग हैं सबको आरटीपीसीआर की रिपोर्ट दायर करने के लिए सबको आदेशित किया गया है और जगह जगह इस आरटीपीसीआर का जो कार्यक्रम है जो कैंप लगा करके आरटीपीसीआर लोगों को किए जा रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इंतजार जुड़ने के लिए। चमोली के दशोली ब्लॉक में 2013 में भीषण आपदा के दौरान 8 से 10 परिवार बेघर हो गए थे। वो आज भी अपने घर की छत ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। उनको आज तक प्रशासन की तरफ से कोई भी व्यवस्था नहीं दी गई है। 2013 में उत्तराखंड में आई प्रलय को शायद ही कोई भूल पाया हो। बहुत सारे लोगों ने अपनों को खोया और कई लोगों का तो आज तक पता भी नहीं चल पाया है। लेकिन इस दौरान कई ऐसे लोग थे जो अपनों के साथ तो थे लेकिन इस आपदा के दौरान बेघर हो गए थे। प्रशासन द्वारा आपातकालीन व्यवस्था हेतु इस तरह के आपदा प्रभावितों को पंचायत घरों और सरकारी स्कूलों में रहने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन आपदा के 7 साल बीत जाने के बाद भी इन आपदा प्रभावितों के सामने अपने आशियानों को लेकर एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। में रह रहे हैं और हमारा घर टूट गया है, वो आपदा से टूट गया है। वहाँ हमारे लिए यहाँ पे बहुत दिक्कत है और जंगली जानवर का भी डर है और मेरे तो घर में कमाने वाले भी कोई नहीं है। मेरे हस्बैंड भी ख़त्म हो गया है और मेरे पास मकान भी कुछ नहीं है और काम करने का भी कोई जरिया नहीं है और हम यहाँ 6-7 परिवार बहुत परेशान में रह रहे हैं। हमारे लिए कुछ व्यवस्था हरिद्वार में फूड श्रमिक यूनियन आईटीसी ने श्रम विभाग का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे फूड श्रमिक यूनियन आईटीसी के पूर्व अध्यक्ष गोविंद सिंह ने बताया कि साल 2019 में राज्य सरकार के द्वारा श्रमिकों को न्यूनतम वेज को रिवाइज किया है, जिसको लेकर कई बार अधिकारियों से शिकायत की गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। श्रमिकों का कहना है कि अब ईपीएफ की बढ़ी हुई दरों को सिडकुल स्थित सभी फैक्ट्री प्रबंधक ने लागू नहीं कर रखा है। पूर्व अध्यक्ष का कहना है कि श्रमिकों के द्वारा श्रम विभाग का पुतला दहन कर अपना विरोध प्रकट किया गया है। वर्ष 2019 में राज्य सरकार उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम वेज की दरों को पुनरीक्षित किया गया था, लेकिन उस समय आईटीसी प्रबंधन द्वारा जो ईपीएफ की जमा किया गया वो पुरानी दरों पर ही किया गया जुलाई माह तक। हम इसकी शिकायत लगातार श्रम विभाग में की, ईपीएफ विभाग में की, केंद्रीय जो भविष्य निधि आयुक्त है उनसे की, लेकिन उसका आज तक कोई निस्तारण नहीं हुआ है लगातार 2 साल बीत जाने के बावजूद। दूसरा, जो न्यूनतम वेज पुनरीक्षित हुआ हमारा बड़ा था उसमें परिशिष्ट दो था जो वो काम से संबंधित था,
उसकी शिकायत हमने श्रम विभाग में करी थी कि इसका अनुपालन जो है पूरे शेड्यूल मालिक नहीं कर रहे हैं, मजदूरों से उनका जो कार्य कुशलता है उससे अधिक काम लेते हैं और जो तनख्वाह देते हैं वो अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड की तनख्वाह दे रहे हैं। इस पर भी श्रम विभाग द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई। हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में तीन मंचलों को लोगों ने सबक सिखाया। लोगों ने तीन मंचलों को पकड़कर पीट दिया और पुलिस को सौंप दिया। बताया जा रहा है कि ये तीनों लड़के आए दिन आने जाने वाली लड़कियों को छेड़ा करते थे, जिससे स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा भी था। वहीं स्थानीय लोगों का गुस्सा फूटा और इन मंचलों की शिकायत उन्होंने पुलिस पे कर दी, जिसके बाद पुलिस इन मंचलों को लेकर थाने ले गई। तो बता दें कि ये लड़के आए दिन आने जाने वाली लड़कियों से छेड़छाड़ किया करते थे, जिसकी आए दिन शिकायत मिल रही थी। वहीं इसी पर गुस्साए लोगों ने पहले तो इन मंचलों की जमकर पिटाई की, उसके बाद कोतवाली पुलिस जनपद हरिद्वार में शिकायत दर्ज करवाते हुए इन्हें थाने में बंद करवा दिया। पार समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और हाँ, देखते रहिए प्राइम टीवी।